बात है आज से 2-3 दिन पहले की, और मैं एक इंसान को कमेंट में रिप्लाई दे रहा था, हमारी बात हो रही थी, समझ रहे थे, तो वहाँ से मैं बोल रहा था कि पास्ट मैटर नहीं करता है, अगर आप सच में एक रिश्ते के अंदर हो और आगे जा रहे हो, सच में आपके अंदर रेयरली ट्रू लव, जो रेयरली पाया जाता है ट्रू लव की डेफिनेशन, आप साथ में अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी हो जो बहुत कम होती है, अगर है तो पास्ट की वर्जिनिटी वगैरह सारी चीज़ें नहीं मैटर करती है, अगर सच में आज और आने वाले कल में आप दोनों साथ रहना चाहते हो तो उस भाई साहब का एक बहुत ही मस्त चीज़ आती है सामने से, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उसके लिए थैंक यू भी कि उसने ये चीज़ के बारे में बात करने के लिए मेरे को मतलब एक आइडिया दे दिया। उसने कहा कि आपकी जो ट्रू लव की है ना, ये डेफिनेशन ये आपकी है, पर जो मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं ना, उनकी ये डेफिनेशन है नहीं आज की दुनिया में, खास करके उनके लिए जो ये है ना लव, ट्रू लव, इसकी भी परिभाषा चेंज हो रही है धीरे 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 धीरे, नए नए वर्ड्स आए जा रहे हैं, जैसे कि कैजुअल आपका है रिश्ता, ओपन आपका है रिश्ता, जैसे ओपन रिलेशनशिप भी कहा जाता है, तो ऐसी ऐसी मतलब टर्म्स आ रही है जिसमें अगर आप एक जने के साथ हो और उसके साथ होते हुए भी आप दूसरे के साथ जो भी चाहो वो कर सकते हो, और उसमें दोनों एकदम फाइन होते हैं। तो उसने कहा कि जब आप ऐसे कह रहे हो कि अगर पास्ट की चीज़ पास्ट में उसने मतलब जो भी किया है वो आज मैटर नहीं करता है, तो आज मैं मतलब रह के अगर कोई भी मेरे साथ है वो किसी और के साथ कुछ कर ले, तो भी तो आजकल ये चीज़ लोग कह रहे ना कि ये चीज़ भी चाहिए, तो आप इसको सही क्यों नहीं मान रहे हो। ट्रू लव की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है भाई, हो सकती है, पर मैं एक बात बताऊँ, जो लव होता है उसका बेसिस क्या होता है, प्यार का बेसिस क्या होता है, मतलब आप और एक बंदा और आप और एक बंदी दोनों साथ में हैं, और अब आप साथ में चाह रहे हैं जिंदगी मतलब बिताना, अब आपने उसको चेंज करके अपने हिसाब से कुछ भी डेफिनेशन दे दी, उसका मतलब ये नहीं होता कि प्यार की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। आप एक इंसान के साथ हैं रिलेशनशिप में और आप किसी और के पास जा रहे हैं, तब तो फिर आपका उसका तो प्यार है ही नहीं, वो तो फिर एक बिजनेस डील हो गई कि मैंने तेरे साथ शादी तो की है, मैं तेरे साथ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हूँ, बट मैं किसी और के पास भी जाऊँगा, तो ये तो रिश्ता हुआ ही नहीं, ये तो प्यार हुआ ही नहीं। अब जो लोग कहेंगे कि भाई तेरी डेफिनेशन अलग हो सकती है, उसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, फिर वो डेफिनेशन अलग नहीं है, तुम प्यार और रिलेशनशिप में हो ही नहीं, तुम किसी और चीज़ में हो, हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है। अगर हम बोले बिजनेसमैन की, तो जिसका खुद का होता है बिजनेस, अब कल को कोई कहे कि भाई इसकी भी डेफिनेशन थोड़ी अलग हो सकती है ना, तो डेफिनेशन तुम अपने हिसाब से अलग भले कितनी ही चीज़ों की बना लो, बट जो उसका मेन सोर्स है, बट जो वो है चीज़ बेसिक में, तो वो तो बेसिक चीज़ बेसिक ही रहेगी ना, प्यार तो प्यार रहेगा, रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप ही रहेगी, जिसका मतलब ही होता है कि आप एक बंदे के साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हैं, और अगर आप किसी एक बंदे के साथ अपना रिलेशनशिप बिताने के लिए नहीं है तैयार, तो आप नहीं कह सकते हैं कि मेरे को प्यार हुआ है, क्योंकि प्यार ये कोई टुच्ची मुच्ची चीज़ नहीं है। अगर आप किसी एक इंसान के साथ अपने जीवन नहीं अभी तक ठीक से बिता पा रहे हैं, तो इसमें चलो आपकी गलती नहीं है, बट आप उसको प्यार नहीं कह सकते कि मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं बिता पा रहा हूँ, मेरे को कोई और भी चाहिए बंदा और मैं इसके भी साथ हूँ, तो फिर वो प्यार का खेल नहीं है, वो आपके हार्मोन्स का खेल है, वो आपके नीचे का मामला है, ठीक है, वो यहाँ पे प्यार नहीं है। आप कह रहे हो ये मेरी डेफिनेशन है, अरे भाई दे लो, आपकी ज़िंदगी है। आजकल जो मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं, उन्होंने रिश्ते को प्यार को पता नहीं क्या ही मान लिया है, वो साथ साथ में चाहते हैं हम 2-3 गर्लफ्रेंड्स बनाए या फिर 2-3 बॉयफ्रेंड्स बनाए, और हम ना मैं फिर ऐसे कहेंगे कि मैं इससे भी प्यार करता हूँ, मैं इससे भी प्यार करता हूँ, बट जबकि प्यार ऐसे बनता नहीं है, प्यार क्या है वो समझने में सदियाँ तुमको बीत जानी है, क्योंकि प्यार है ना फिर वो दो वाली फीलिंग होती नहीं है, प्यार में तुम दोनों एक हो जाते हो। अभी जो भी हो रहा है ना, अगर तुम कह रहे हो मैं इससे भी प्यार करता हूँ, मैं इससे भी प्यार करता हूँ, मेरे को इसके साथ भी होना है, मेरे को इसके साथ भी होना है, वो प्यार का मामला नहीं है, वो हार्मोन्स का मामला है, वो तुम्हारे अट्रैक्शन का मामला है। जिस दिन तुम्हें थोड़ी सी सेंस ऑफ आ जाएगी मैच्योरिटी, उस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जिस दिन तुम वो प्यार होगे ना, उस दिन सिर्फ तुमको वही बंदा उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी तुमको होगी बितानी, और तुम उसके साथ मोह नहीं करोगे कि मेरे को चाहिए, तुम उसकी खुशी में ही अपनी खुशी देखोगे, उसको अंडरस्टैंडिंग मतलब में लाओगे, मैच्योरिटी में लाओगे, उसको सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को समझोगे और अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहोगे। तुम ऐसे 2-2, 3-3 वाला खेल नहीं खेलोगे कि मैं इसके साथ तो हूँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी और के साथ जाके भी सेक्स कर सकता हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने उसको भी कहा था, इंसान को, मैं तुमको भी कह रहा हूँ,
पास्ट में जो भी हुआ, आज वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया है, उससे पहले पास्ट में उसके साथ जो भी हुआ है, उसने किसी के साथ कुछ भी उसका रिश्ता रहा या फिर कुछ भी हुआ है, वो मैटर नहीं करेगा। बस वो मैटर करेगा कि आज वो इंसान की जगह तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होगी। अगर आज वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारे ही साथ है और आगे भी तुम्हारे साथ होना चाहता है और तुम में सच में वो 1% बॉन्ड है। अब लोग कहेंगे कि तू अपने हिसाब से परसेंट कैसे बोलते हैं, 0.1% मान लो, क्योंकि बहुत कम चीज़ होती है ना उसको मैं ऐसे परसेंट के वे में तोल मोल रहा हूँ, ठीक है। 0.1% वो वाली चीज़ है जो बहुत कम लोगों में होती है। रियल लव मिल गया है तो पास्ट गया तेल लेने, आज बनाओ अपना और कल बनाओ। बट ये मत बोलो कि अगर पास्ट मैटर नहीं करता है, पास्ट में उसने किसी और के साथ अगर मतलब उसका रिश्ता रहा है, वहाँ पे वो फिजिकल हुई है या फिर हुआ है आज भी, तो हम दोनों समझदारी से ये चीज़ मान सकते हैं ना कि है ना वो मेरे साथ भी है और अगर वो चाहे तो मेरे साथ होते हुए वो किसी और के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमिटमेंट का है, प्यार और रिलेशनशिप का सबसे पहली चीज़ लॉयल्टी और कमिटमेंट होती है। पास्ट में जो हुआ वो हुआ, बट आज जब वो इंसान तुम्हारे साथ है तब तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ होना चाहिए ना। पास्ट तो पास्ट है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते और ना हमें कुछ करना चाहिए अगर तुम एक समझदार इंसान हो तो। पर आज कमिटमेंट और लॉयल्टी कहाँ गई? और अगर तुम कमिटमेंट और लॉयल्टी सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं दिखा पा रहे हो, तुमको एक से एक के साथ रहते हुए भी कोई और भी चाहिए, क्या ढूंढ रहे हो? ये प्यार नहीं है। तुम कह रहे हो मेरी डेफिनेशन अलग है, फिर हर चीज़ को डेफिनेशन तुम अपने अपने हिसाब से दे दोगे, बट जो मेन सोर्स है वो तो यही है ना, कमिटमेंट लॉयल्टी, आज साथ रहना, फ्यूचर में साथ रहना। हम अपने अपने अलग अलग डेफिनेशन बना रहे हैं और एक खेल खेल रहे हैं, बट जबकि खेल प्यार नहीं है, प्यार दो को एक करने वाली चीज़ है। क्योंकि आजकल का युवा पता नहीं यार क्यों कमिटमेंट से बहुत डरने लगा है। समझ आ जाए जितनी जल्दी उतना ही बेहतर है, क्योंकि अट्रैक्शन के मामलों में, हार्मोन्स के मामलों में एक बार तो तुम हाइपर हो जाते हो। जैसे जैसे उम्र बीतती है वैसे वैसे समझ में आते हैं कि मैं पहले कितना बेवकूफ था थोड़ा सा, और मेरे को काश पहले अंडरस्टैंडिंग आ जाती। ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट लव। और अगर तुम्हारी कोई डेफिनेशन है तो जियो, बट दिस इज़ नॉट लव। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो रोज आती है। और मेरा दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर मैं रिव्यूज देता हूँ, उसको भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ वहाँ होते रहो दोनों चैनल के ऊपर और मेरे को देखते रहो। बाकी बाय।